हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा सक्सेना। आज हम आपको थ्रेडिंग करने से पहले थ्रेड चलाने की जानकारी बताएंगे कि किस तरह से हमको थ्रेड को चलाना चाहिए। ये 40 नंबर थ्रेडिंग के लिए थ्रेड है और मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये थ्रेड स्टिचिंग के अलावा केवल थ्रेडिंग में ही काम आता है। हम इसको सिलाई में यूज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। कॉस्टली थोड़ा अदर थ्रेड से होता है। तो ये बहुत ही रिफाइंड और स्मूथ थ्रेड होता है, मजबूत भी होता है, इसलिए केवल थ्रेडिंग आईब्रोज, अपर लिप, फॉरहेड वगैरह इसके काम के लिए ही ये थ्रेड यूज हम करते हैं, विशेष तौर से पार्लर में। ये किसी भी कलर का होता है, अलग अलग तरह के कलर का होता है। व्हाइट होता है, ग्रे है, लाइट स्काई ब्लू है, किसी भी कलर का हो सकता है। लेकिन ये 40 नंबर का थ्रेड हम थ्रेडिंग करते टाइम यूज करेंगे। थ्रेडिंग करने से पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको थ्रेड को किस तरह से दबाना है, वो सब चीज आज हम बताएंगे आपको। देखिए, ये थ्रेड हम डाढ़ के नीचे दबाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने डाढ़ के नीचे दबाया है। डाढ़ के नीचे दबाने के अलावा कुछ लोग दांत के नीचे भी दबाते हैं, दबा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, अगर हम डाढ़ के नीचे दबाते हैं थ्रेड को, तो उससे बेनिफिट्स कई हो जाते हैं। पहली बात, थ्रेड बिल्कुल मजबूती के साथ में हमारा फिक्स हो जाता है। और दूसरा रीजन, दूसरा बेनिफिट ये है कि हम डाढ़ के नीचे दबाने के बाद में इजीली क्लाइंट से बात कर सकते हैं। क्लाइंट आया और हम बस थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके अलावा दांत के अगर नीचे हम थ्रेड को दबाएंगे तो वो प्रॉपर वे में फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि हम बोल नहीं पाएंगे। बोलेंगे तो वो थ्रेड हमारा डाढ़ के नीचे से तो फिक्स रहता है, दांत के नीचे से निकल जाएगा। इसलिए हमको पहला पॉइंट ये है 40 नंबर थ्रेड लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि डाढ़ के नीचे ही बेटर रहता है थ्रेड को दबाने के लिए, वो स्पेस सबसे बेस्ट है। अभी हमने आपको दिखाया कि डाढ़ के नीचे हमने दबाया हुआ है और फिर हम ये 4-5 बल हमने लगाए। ये देखिए, 4-5 बल हमने लगाए और इसका नाप तो ये है कि 6 इंच इधर होना चाहिए, लेंथ 6 इस थ्रेड की होनी चाहिए और 6-7 इंच इधर होनी चाहिए। इस तरह का हम अंदाज रखेंगे। और ये देखिए, 4-5 हमने बल लगाए हैं। अब बल लगाने के अभी देखिए, थ्रेड हमारे डाढ़ के नीचे है तो हम इजीली आपसे बात कर सकते हैं, है ना। तो 4-5 हमने बल लगाए हैं और उसको चलाने का इस तरह से है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने फिंगर से पकड़ते हुए गट्टी को पकड़ा है, थ्रेड वाली गट्टी को पकड़ा है। और ये जो हमारे इस तरह का हमने बल लगाने के बाद में फिंगर को खोला और बंद किया। ये देखिए, चलाने का तरीका देखिए आप। इस तरह से हम थ्रेड को चलाएंगे बहुत ही इजीली। ये देखिए, हम फिंगर को बंद किया, फिर खोला, बंद किया, फिर खोला। इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड का हाथ हमारा इस तरह आया नीचे, फिर ऊपर। फिर से देखिए एक बार, ये हमने 4-5 बल लगाए और ये देखिए, बहुत ही इजी वे में थ्रेड हमारा सरकना चाहिए। और आईब्रो के हेयर्स या अपर लिप के, फॉरहेड के कहीं के भी हम थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये जो हमारा वी शेप का बना हुआ है, बल के बाद में ये जो शेप है, हमको इस शेप के अंदर, ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं, इस शेप के अंदर हमको हेयर्स को लेना है। स्किन से टच करते हुए हमको लेना है। ये देखिए, ये हमने स्किन से टच किया और ये किया, हमने टच किया, ये देखिए, इस तरह से करना है। और सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही इजी वे में। आप देखिए,
कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार फिर से हम बताते हैं, ये देखिए अंदाज से हमको लेना है। 4-5 हमने बल लगाए और ये 6 इंच के करीब है, हमारा थ्रेड इधर से निकलता जाएगा और ये हमारी फिंगर की ग्रिपिंग इस तरह से रहेगी। हमने ये पोजीशन हाथ की रखी, डॉट के नीचे हमारा थ्रेड है, हम इजीली बात कर रहे हैं, आपसे कोई दिक्कत नहीं आ रही और हम देखिए थ्रेड भी चला रहे हैं, तो ये मुश्किल काम नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हमको इस हाथ को नीचे लाए, ये खोला, ये बंद किया, ये दोनों साथ की स्टाइल में हमको करना है, दोनों को साथ लेकर चलना है। ये देखिए फिर से, ये देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आपको थ्रेड अटक रहा है जब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर थ्रेड हमारा अटकेगा तो इसके नानी का डर लगता है। अगर स्मूथली हमारा थ्रेड चल रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आईब्रो बनाते समय स्वेलिंग नहीं आएगी और दूसरा कट नहीं लगेगा, कट लगने का डर नहीं रहता है अगर हमारा स्मूथ थ्रेड चलता है। तो हमको सबसे पहला काम ये करना है कि हमको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जिससे कि हमारा थ्रेड अटके नहीं। अगर ये थ्रेड अटका तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अटकने का मतलब ये है कि स्किन का आना या बहुत ज्यादा स्वेलिंग का आना। ये देखिए फिर से देखिए एक बार, ये देखिए बस खोला बंद किया, खोला बंद किया। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, बहुत ही इजी वे में आप कर पाएंगे। हमको केवल क्लाइंट का काम नहीं करना होता है, काम करने के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्लाइंट से हाय हेलो करें। अगर हम खुशी से स्माइल देकर बात करते हैं क्लाइंट से तो वो खुश होकर जाता है, उसको भी ये लगता है कि रेस्पॉन्स हमको अच्छा मिला है। ये बिजनेस का पॉइंट है जो हम बताने जा रहे हैं आपको। आप डार्ट में अगर थ्रेड को दबाते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जिस तरह से हम आपके सामने बात कर रहे हैं। कुछ लोग जब दांत के नीचे थ्रेड को दबाते हैं तो फिर कारण ये रहता है कि वो बोल नहीं पाते, क्लाइंट की राजी खुशी नहीं पूछ पाते हैं, तो ये सब चीज रहती है। ये देखिए इस तरह से, अगर हमने एक थ्रेड गट्टी को कंप्लीट फिनिश कर दिया तो समझ लीजिए आपका थ्रेडिंग का जो परफेक्टली काम होना चाहिए वो होगा। पर हमको सबसे पहले थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी है और जब ये हमारा थ्रेड अटकना बंद हो जाएगा तब हम कुछ हेयर्स को, सबसे पहले लेग के हेयर्स का हम बताएंगे कि हमको वही प्रैक्टिस करनी चाहिए। और खुद के पैर पर अगर हम करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब खुद के पैर पे हम थ्रेड चलाएंगे और जो तकलीफ होती है, थ्रेड कहीं हमारा स्किन ले लेता है, तो वो सब जानकारी हमको महसूस हो जाती है कि यहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताएंगे कि किस तरह से पैर पे हम शेप लेंगे और किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे शेप लेने की। वो थ्रेड सबसे पहले आप इसकी पहले प्रैक्टिस करिए, फिर आप पैर पर, खुद के पैर पर आप चलाइए, क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई मिल नहीं पाता है जो अपने पैरों पे कराए या हैंड्स पे कराए, तो फिर आप अपने पैर पे करिए प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है आपको। थ्रेड आपको कुछ नहीं मिलता है, पैर पर भी कई बार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से करिए, चेयर पर करिए, या ये देखिए, ये देखिए आपको थ्रेड पर कमांड करना है। हमारा ये जो सेंटर वाला थ्रेड है तो मेन कमांड हमारे इस पर होना चाहिए, ये थ्रेड हमारा बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अगर ये लूज हो गया तो नेचुरली स्किन फिर आती है। फिर से देखिए आप, सबसे पहले आप इस तरह से करिए, चेयर पे भी कर सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार कहीं भी कर सकते हैं।
ये देखिए, प्रैक्टिस के लिए आप लेडीज को अगर कहीं जगह नहीं मिल रही है, किचन में भी मिलती है और स्लैब होते ही हैं, चेयर होती है, टेबल होती है, आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से एक गट्टी इस थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस कर ली इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपने कर ली, इसका मतलब ये है आप जब अपने पैरों पे करेंगी तो मुश्किल नहीं होगा, उससे स्किन नहीं आएगी थ्रेडिंग करते टाइम। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इतना थ्रेड चलाएं, आप इतना थ्रेड चलाएं, सेंटर वाला जो थ्रेड है वो देखिए इस तरह से टाइट होना चाहिए। इस पर कमांड होना बहुत जरूरी है, ये वाला थ्रेड और ये दोनों जो हमारी फिंगर है इनका काम केवल बंद होना खोलना, बंद होना खोलना। जब हम बंद करेंगे तो हमारे ये बल नीचे आएंगे, हम खोलेंगे हमारा जो थ्रेडिंग वाला पोर्शन है, ये देखिए ये वी शेप वाला जो थ्रेड है हमारा, तो इसके अंदर हमको जो बार लेना है, जिन हेयर्स को लेना है उसी तरह से हम सेंगे और फिर हम जहां जहां थ्रेड को रख के थ्रेडिंग करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वहीं के हमारे हेयर्स निकलेंगे। बस हमको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए आप इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपको अपने हैंड्स पे लेग पे किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, शेप लेना बताएंगे आपको। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पार्लर खोलने के हिसाब से मेहनत करके सीखें। ये देखिए आज हमने थ्रेडिंग का बताया आपको, विश्वास है आपको जरूर पसंद आया होगा और आपने देखा कि थ्रेड को हमको किस तरह से चलाना है और हम एंड करने के बाद में किसी की भी हमने थ्रेडिंग की और उस थ्रेड को जितना हमारे यूज हुआ है हम उसको तोड़कर फेंक देते हैं। और ये आपको भी यही सिखाएंगे कि आपको फेंक देना चाहिए उस थ्रेड को जितना हमारे मुंह के अंदर आया है, जितना उनकी आईब्रो पे आया है, जितना फॉरहेड पे आया है, वो थ्रेड हम इतना सा तोड़कर फेंक देंगे। क्योंकि अगर किसी के कोई प्रॉब्लम होती है स्किन में और उसी थ्रेड से हम दूसरे लोगों के अगर थ्रेडिंग करते हैं, फॉरहेड करते हैं, अपर लिप करते हैं या चिन करते हैं, कुछ भी थ्रेडिंग का काम करते हैं, तो वो और लोगों के भी ये प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हाइजीनिक ध्यान में रखते हुए हम थ्रेड को जो हमने यूज किया है उसको बिल्कुल तोड़कर फेंक देंगे। इससे ये फायदा रहता है कि अगर किसी की स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम है या स्किन डिजीज अगर किसी के है या दाने होने की प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट जो क्लाइंट जिसके हम यूज़ करेंगे थ्रेड या हम खुद अपने ऊपर करेंगे तो उससे बचाव रहता है। इसलिए हमको हाइजीनिक ध्यान रखते हुए बिल्कुल उस थ्रेड को फेंक देना चाहिए जो हमने किसी और के यूज़ किया है। तो विश्वास है आपको ये तरीका, थ्रेड चलाने का तरीका, किस तरह से हमको थ्रेड चलाना चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो प्रैक्टिस आप बिल्कुल करिए और उसके बाद में हम शेप लेना भी बताएंगे। विश्वास है आपको ज़रूर समझ में आया होगा हमारा ये समझाने का तरीका, थ्रेड चलाने का तरीका। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए। ये सब हमने जो आपको जानकारी दी है एक अच्छे ब्यूटिशियन के लिए थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग हमने दिए और बहुत बहुत धन्यवाद।